जन समस्या समाधान शिविर में पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा से स्थानीय पार्षद की शिकायत पर पार्षद की गाड़ी में सवार होकर तालाब निरीक्षण करने पहुंचे, जहां तालाब के संधारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा आयोजित जन समाधान शिविर के अंतिम दिन कातुलबोर्ड वार्ड में पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल से स्थानीय पार्षद शिवेंद्र परिहार ने वार्ड में स्थित तालाबों की दुर्दशा पर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पार्षद शिवेंद्र परिहार ने कहा कि पिछले वर्ष वार्ड के आमा तालाब के संधारण के लिए राशि भी स्वीकृत की गई थी, जिसके बाद भी अब तक कुछ काम नहीं हुआ है और साथ ही तालाब अतिक्रमण की चपेट में आने लगा है, जिस पर गंभीरता जाहिर करते हुए शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल मौके पर पहुंचे और तालाब का औचक निरीक्षण किया। साथ ही विधायक वोरा ने तालाब में जल भराव के लिए पटवारी सहित अधिकारियों को आदेशित भी किया। गौरतलब है कि जन समस्या समाधान शिविर के दौरान पार्षद की शिकायत पर वार्ड 59 में विधायक अरुण वोरा ने भारी गर्मी की परवाह न करते हुए महापौर धीरज बाकलीवाल, संजय कोहले, जयश्री जोशी व अधिकारियों की मौजूदगी में स्थानीय पार्षद की गाड़ी में सवार होकर तालाब पहुंचे। इसे लेकर विधायक अरुण वोरा ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्राथमिकताओं में से है कि शहर में जो तालाब है ये हमारी धरोहर है, इसको सहेज कर रखा जाए। दुर्ग शहर में लगभग 36 तालाब है और इन तालाबों से अभी 11 तालाबों को सौंदर्यीकरण के लिए शामिल किया गया, 8 का प्रस्ताव गया है, बाकी प्रस्ताव भेजना है नगर निगम के माध्यम से। अभी हम जन समस्या निवारण शिविर में आए थे, यहाँ पर कातुल बोर्ड का जो तालाब है, आमा तालाब और शीतला तालाब, इसमें अभी तक भराव नहीं हुआ है। इसका किन कारणों से नहीं हुआ है ये तो अभी यहाँ वार्डवासियों ने बताया कि कुछ कई ऐसे कारण हैं जिन कारण इसका वो भराव नहीं हो पाया। हम चाहते हैं यहाँ पर भराव हो, क्योंकि निस्तारी का भी तालाब यही है और सारे कार्य यही से संपादित होते हैं गांव के, तो इस तालाबों का रख रखाव अच्छे से किया जाए। मैं जिलाधीश महोदय से भी कहना चाहूँगा कि वे स्वयं इसमें रुचि लें, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होने वाला है, हो सकता है मुख्यमंत्री जी यहाँ आ जाएँ देख लें, तो उसके पहले ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली जाएगी। पूर्व में भी ये संधारण के लिए तालाब के लिए कुछ राशि स्वीकृत हुई थी, उसका क्या? हमने इसमें 15 लाख रुपए दी थी, अब वो राशि का उसमें उपयोग नहीं हो पाया चुनाव आचार संहिता के कारण, लेकिन अब सरकार के माध्यम से यहाँ पर राशि हम उपलब्ध कराएंगे, नहीं तो विधायक निधि, महापौर निधि, पार्षद निधि, सब निधि मिलाकर हम यहाँ पर तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव बनाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अचक यहाँ आ भी सकते हैं, और जब देखेंगे उसके पहले प्रशासन को चाहिए, निगम प्रशासन को और जिला प्रशासन को, कि यहाँ के सारी व्यवस्थाएं कर लें। सरोवर धरोहर के तहत तालाबों का सौंदर्यीकरण तो किया जाना है, पर देखना होगा इस ओर निगम का ध्यान कब और कैसे जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।